बना रही हूँ आज कढ़ी, कढ़ी चावल रोटी। तो पापा को कढ़ी नहीं पसंद है, लेकिन सब्जी रखी हुई है इस वजह से हमने कढ़ी का प्लान बना लिया। अदरवाइज कढ़ी नहीं बनती अगर पापा को खाना होता, मतलब खाना तो वो खाएंगे लेकिन सब्जी रखी है। सुबह चाचा लोग गए हैं ना, तो वो सब्जी बच गई है, तो वही वाली रखी है सुबह वाली सब्जी। तो पापा सब्जी रोटी लेकर के जाते हैं क्लिनिक और हम लोग सब लोग खाएंगे कढ़ी चावल रोटी। तो अभी मैंने सोचा चलो मैं वीडियो भी स्टार्ट कर लेती हूँ। और अभी सुबह सुबह का टाइम है ना, बट फिर भी बहुत गर्मी सी पड़ने लगी है। और ये मैं ना डब्बा खोलने की कोशिश कर रही हूँ, इसमें है आमकली मसाले वाली जो दाल में डाली जाती है, और इधर साइड कढ़ी में भी डाली जाती है। इधर साइड कढ़ी मतलब कि आमकली पड़ेगी ही पड़ेगी, और एकदम मसाले वाली रहती है ना, तो सच में जब ये पड़ जाती है दाल ढोकली में हो या फिर दाल में हो या फिर कढ़ी में हो, तो सच में टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका जो मसाला रहता है ना वो बड़ा खुल जाता है, मिल जाता है, और इसकी खटास चली जाती है, तो अच्छा लगता है। और अभी मैं बनाती हूँ, तो मैंने ये मेथी ले रखी है, थोड़ा सा हींग ले रखे हैं, मसाला है, सिंपल वाली कढ़ी बना रही हूँ पकौड़ी वाली। और वैसे सच बताऊँ हमने ना मेरठ में टमाटर वाली कढ़ी बहुत खाई है, एकदम पतली पतली टमाटर डाल करके। गर्मी खूब थी ना, तो फिर हम लोग ये ऐसे पकौड़ी वाली नहीं बनाते थे, सिंपल टमाटर वाली घोल देते थे, खूब सारी टमाटर करी पत्ता सब कुछ डाल करके, और बहुत टेस्टी लगता था। सुबह सुबह आवाज़ कैसी निकलती है ना भारी भारी सी, वो पता नहीं मेरी आवाज़ आ भी रही होगी कि नहीं, क्योंकि चल रहा था ना फैन। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ सिंपल पकौड़ी वाली कढ़ी। तो सबसे पहले तेल डाला, उसमें थोड़ा सा मैंने मेथी और हींग डाल दिया है, इसके बाद फिर मसाला डाल दिया है, और मसाले में कुछ नहीं, वही धनिया पाउडर, हल्दी, नमक और गरम मसाला, मिर्ची, यही सब डाला है, और थोड़ा सा ना आम खटाई डाल दिया है जो इधर प्रतापगढ़ साइड की फेमस है। और फिर इसके बाद वही मट्ठा बेसन का घोल डाल दिया, और जो पकौड़ी बनाई थी उबाल आने के बाद उनको डाल दिया है, और अच्छे से कढ़ी को पका लूँगी। गाइस आज मैं आप लोगों को माइलोवेदा के बारे में बताने वाली हूँ। माइलोवेदा बहुत अच्छा आयुर्वेदिक पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बनाता है। ये है इनका कुमकुमादी रेंज जो मैं रेगुलरली यूज कर रही हूँ। इस किट में है ऑयल, नाइट क्रीम एंड स्क्रब, और ये सारे कुमकुमादी और केसर से बने हुए हैं। और मैं आप लोगों को बताऊँ इसे मैं अक्सर यूज करती हूँ, इसने मेरे डार्क स्पॉट और फाइन लाइन को रिड्यूस करने में अच्छे से काम किया है, और इसका टेक्सचर और स्मेल भी बहुत मुझे पसंद है। ये है फेस ऑयल, और अभी मैं इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ अपने फेस पे। तो कुछ नहीं करना, जस्ट दो चार ड्रॉप्स लेकर के अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है, और हल्के हल्के हाथों से मसाज करना है, और थोड़ी ही देर में ये आपके फेस पे अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये है नाइट क्रीम, और ऐसे ही आप नाइट क्रीम को फेस पे मसाज कर सकते हैं। मैं अल्टरनेटिवली इन्हें अप्लाई करती हूँ, और इसका टेक्सचर दिखाऊँ तो इसका टेक्सचर काफ़ी अच्छा है। ये है कुमकुमादी स्क्रब, और जैसे दूसरे स्क्रब होते हैं वैसे ये भी है, और इसको कुछ नहीं करना है, जस्ट थोड़ा सा लेना है और अपने फेस पे अप्लाई करना है, और हल्के हल्के हाथों से स्क्रब करना है। और जब आप इसको यूज करेंगे ना तो बहुत ही आपको नेचुरल फील होगा। और इसके टेक्सचर की बात करूँ तो इसका टेक्सचर काफ़ी अच्छा है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। इस स्क्रब की बात करूं तो जैसे नॉर्मल स्क्रब वीक में एक या दो बार अप्लाई किए जाते हैं, वैसे ही आपको इसको भी एक से दो बार अप्लाई करना है। तो गाइस मैंने इन प्रोडक्ट्स का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप लोग अभी जाकर के चेकआउट करें, और इस किट में आप 15% का ऑफ पाएंगे। सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ ऊपर, तो अभी अब मैं ऊपर अपने रूम की हालत सही करती हूँ, क्योंकि 2 महीने से नहीं थी ना, इतना ज़्यादा गंदा हो गया है, और बाहर भी गंदा हो गया है, अंदर रूम में भी गंदा है, तो मैं सब कुछ साफ ऑफ करती हूँ। और मैंने सोचा चलो आज मैं आप लोग को अपना ससुराल वाला क्लीनिंग रूटीन दिखा देती हूँ, क्योंकि बहुत रेयर ही होता है कि कभी मैं ऐसे टाइप का वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरा नहीं उतना ज़्यादा मन करता है। लेकिन हाँ, जब आप करते हो जहाँ जो चीज़, तो फिर मन करता है कि चलो शूट कर देते हैं, वरना क्या होता है मेरठ में कुछ करना नहीं होता ये सब कुछ, तो जब करना नहीं है तो फिर दिखाना किस चीज़ का, झूठ मूठ का दिखाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। जो रियल में आप करो तो वो दिखा दो ठीक है, बट जब मैं कोई काम वो वाला करती नहीं हूँ तो फिर दिखाऊँ कैसे। और
ज़्यादा मैं उतना कंफर्टेबल भी नहीं रहती कि हर वीडियो में मैं आपको ऐसे झाड़ू पोछा करते हुए दिखाऊं। तो सबकी देखो अपनी अपनी पसंद होती है, मैं ये नहीं कहती कि जो दिखाते हैं वो गलत है। जो भाई काम हाउसवाइफ का काम ही यही होता है, बर्तन झाड़ू पोछा खाना, तो जो वो करेंगे वही तो व्लॉगिंग में दिखाएंगे। और मेरा क्या है कि झाड़ू पोछा बर्तन मैं करती भी नहीं हूँ मेरठ में, तो इसलिए दिखाना भी नहीं होता। और मेरा पर्सनली ऐसा है ना कि मुझे थोड़ा सा कम पसंद है कि मैं हर वीडियो में वो चीज़ दिखाऊँ। कभी कदा बहुत है, जैसे मुझे सालों हो गया होगा ये झाड़ू पोछा दिखाए हुए, तो आज मेरा मन किया कि चलो आज मैं करती हूँ और आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। मतलब करना तो मुझे है ही, तो चलो मैं वीडियो भी शूट कर लूँगी। तो अब मैं बातें ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि उदयन नीचे सो रहा है, इतना ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं है। और पीछे साइड ना कहीं पूजा हो रही है तो बड़ा माइक में ना आवाज़ आ रही है। तो अभी आप देख सकते हो सफाई करना मैंने स्टार्ट कर दिया है। और सच बताऊँ क्लीनिंग करना बहुत ही टफ़ काम है, क्योंकि जब डस्ट नाक में लगती है ना तो फिर सब कुछ याद आता है, नानी भी याद आ जाती है। और मुझे डस्ट से थोड़ा एलर्जी है ना, तो मुझे और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और अगर स्पेशली आप इतने टाइम तक नहीं हो, पूरा 2 महीना, तो आप सोच सकते हो। और सोचो रूम बंद ही रहता है, कभी खोला भी नहीं जाता, बट पता नहीं कहाँ से डस्ट आ जाती है। और वही होता है ना, गेट के नीचे नीचे जो थोड़ी थोड़ी जगह रहती है वहाँ से, इधर उधर खिड़कियों से ऐसे ही आ जाता है, समझ में नहीं आता। और पूरा का पूरा मेरा जितना सामान है ना वो सब कुछ धूल से भरा पड़ा है। तो अभी मैं धीरे धीरे सबको साफ़ कर रही हूँ। ये जितना भी मैंने लास्ट टाइम डेकोरेट करा था ना सामान, सब कुछ पूरा धूल धूल हो गया है। इसीलिए मैं यहाँ ज़्यादा डेकोरेशन नहीं करती इस रूम में, क्योंकि ज़्यादा रहना होता नहीं है। और फिर अगर आप कर भी दो ना, कभी जब दोबारा लौट करके आना होता है तो इतना गंदा हो जाता है, तो फिर लगता है कि यार छोड़ो रहने दो। थोड़ा मतलब खाली रहता है ना तो ज़्यादा साफ़ सुथरा रहता है। जितना सामान अच्छे से सजा दो उस टाइम पर तो बड़ा अच्छा लगता है, फिर बाद में वो पूरा का पूरा ना धूल हो जाता है। तो साफ़ तो हो जाता है लेकिन वो चीज़ नहीं वापस साफ आती है। और अभी मैं बेड को भी साफ़ कर देती हूँ, यहाँ भी पूरा एकदम ना डस्ट बैठ गई है। और पहले मैं ये सूखे कपड़े से साफ़ कर दूँगी, देन एक गीला कपड़ा लेकर के ना सब चीज़ें पोंछ दूँगी, तो पूरी धूल निकल जाएगी। काफ़ी हद तक मैंने पोंछने वाला काम निपटा दिया है और अभी अब मैं जा रही हूँ। वैसे तो मैंने बेड को भी पोंछ दिया है पूरा, और ड्रेसिंग एरिया को जितना भी था इधर सेफ की तरफ, इधर भी मैंने सब कुछ पोंछ दिया है। और सामान आपको दिखाऊँ कितना सारा रखा हुआ है, तो सारा का सारा सामान ना मैंने ऊपर ही चढ़ा दिया है। और आपको बताऊं, अभी तक शायद मैंने बताया नहीं है कि हम लोग ना नीचे रहने का बना रखे हैं। वैसे मैंने बताया है, आई थिंक मुझे याद नहीं है, इतना बताया क्या वीडियो में दिख ही जाता है, इसमें बताना क्या है। तो हम लोग ना नीचे रहते हैं, तो सामान लेकिन मैंने ऊपर ही चढ़ा दिया है। मैंने नहीं चढ़ाया, मतलब चढ़वा दिया है, क्योंकि बहुत नीचे ना फिर मैसी हो जाता है रूम में, और यहाँ ऊपर रहना भी नहीं रूम में, यही अपना सामान रखा रहेगा। जब कभी कुछ सामान की ज़रूरत लगेगी तो फिर मैं आकर के ले जाऊँगी। वैसे तो बहुत सारी उदयन की सारी ज़रूरत की चीज़ें मैंने सब कुछ वहाँ रख लिया है नीचे। कुछ कपड़े मैंने रख लिए हैं एक झोले में, और उसकी जितनी भी दवा है, एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, जितना भी तेल काजल जो भी ऐसा होता है ना, सब कुछ मैंने नीचे ही रख लिया है। तो अभी उसके लिए नहीं आना पड़ता, बट हाँ मुझे कुछ चाहिए होगा तो आना पड़ेगा। बट मेरा भी ऐसा है ना कि अब मैं अभी सुबह पूरा काम वाम कर करके, यहाँ का निपटा करके, नहा करके फिर सीधे नीचे जाऊँगी, तो जल्दी ऊपर नहीं आऊँगी, क्योंकि फिर मेरा भी कोई काम ही नहीं रहेगा। नीचे ही सब कुछ है, खाना पीना रहना, अभी इस बार हम लोग का सब कुछ नीचे ही है। तो चलो अभी अब मैं बातें कम करती हूँ, क्योंकि अभी मुझे झाड़ू पोछा सब करना है, अंदर भी करना है बाहर भी करना है। और ये ना ये जो मैंने स्टिकर मंगाया था वॉल स्टिकर, ये थोड़ा सा ना बेकार टाइप का निकल गया, पता नहीं क्यों हमारी वॉल में ही नहीं टिका या सबकी वॉल में ये वाला स्टिकर निकल जाता है। दिखाऊँ आपको किस तरीके से थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, पास से दिखा रही हूँ, ये ऐसे पूरा का पूरा ना हर जगह से लीव्स भी हल्की हल्की, फ्लावर भी, कुछ भी जो भी है ना सब कुछ। ये देखो ये जो पिंजरा ये तो है, ये तो ये सब कुछ निकल रहा है, मतलब
चिपका हुआ है लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं चिपका है, सब कुछ थोड़ा 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 निकल गया है। तो मुझे पर्सनली देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था बट उतना ज़्यादा सही लगा नहीं, क्योंकि हाँ कितना अभी 2 से 3 महीना ही तो हुआ है और इतना जल्दी निकल गया। मैंने एक बार लखनऊ में लगाया हुआ था, वो इतना अच्छा था कि सोचो सालों साल हो गया था, जब हम लोग वो घर छोड़े भी थे लखनऊ वाला फ्लैट तब भी वो वैसे का वैसा ही चिपका हुआ था। और देखो बातें करते करते कितनी ज़्यादा मेरी बातें हो गई, चलो मैं अपने काम में लगती हूँ। डस्टिंग मैंने कर दिया है और अभी हम मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद पोंछा लगाऊंगी और गीले कपड़े से अभी एक बार फिर मैं सब कुछ पोंछूंगी, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद ना फिर डस्ट बैठ जाएगी। और यही सब करते करते ना मेरा पूरा टाइम निकल गया था। और सच बताऊँ इसके आगे मैंने कुछ सूट भी नहीं किया, क्योंकि फिर मेरी ना सूट करने की हालत भी नहीं रह गई थी और कैमरे के सामने आने की भी। तो चलो अभी मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। तो अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो एक लाइक कर देना, न्यू हो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।